हाय एवरीवन, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। और जैसे कि आप सबको पता है, मैं आधी गालू बना रही थी, उल्टा गालू। तो आज मैं फाइनली, आज मुझे ख़त्म करना है उसे, बस थोड़ा सा बच गया है। तो उसी को मुझे आज ख़त्म करना है और उसी के ऊपर है मेरी आज की वीडियो। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे हम लोग चलते हैं मेरी आज की वीडियो पे। यहाँ आप देखिए, मेरा जो गालोक है वो बन के हो गया है ख़त्म। आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर ये सब पूरा है मेरा पोरे, और यहाँ देखिए नीचे पूरा हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन मेरा जो नोमे हो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि अभी मैं फिर यहाँ में और एक एक्स्ट्रा फूल बनाएगा बोलने से फिर भी स्पेस नहीं जुड़ेगा, क्योंकि मुझे इतना 5 उंगली जितना और यहाँ स्पेस चाहिए, तो ये इतना से फिर बाद में बनाने के लिए तकलीफ़ हो जाएगा। तो उसके लिए मैं यहीं पे अभी ख़त्म कर दूँगी और मेरा जो है उसको अभी काट दूँगी मैं यहीं से। और आप यहाँ देख सकते हैं मेरा जो तानिए है इसको वेस्ट नहीं करेगा, मुझे नहीं फेंकना है ये तानिए को। फिर से यहाँ में मुझे इसको गोल करके रख देना है, और यही एक तानिए से मैं बहुत सारा और भी गाले या गालुक और बना सकती हूँ मैं। तो उसके लिए मुझे नहीं फेंकना, इसी तानिए को अच्छा से गोल करके रख देगा। यहाँ देखिए मैंने 5 एक्स्ट्रा पोरे बनाया है, और ये जो 5 है ये मेरा एक्स्ट्रा पोरे है, और ये जो ऊपर वाला है ये मेरा पीछे का वाला पोरे रहेगा नीचे वाला। और ये जो ये देखिए, ये जो ऊपर वाला वो मेरा फिर दागडुंग हो गया। तो ये जो दागडुंग और जो पीछे का जो पोरे है उसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ देखिए मैंने इसको नाप लिया है, क्योंकि हाथ से नापने से क्या होता है, सबका हाथ अलग अलग होता है लंबाई चौड़ाई। तो उसके लिए मैंने ये मेजरिंग टेप से मेजर किया है। तो आप लोग भी अगर नया नया बना रहा है और नया सीख रहा है, तो आप लोग भी डेफिनेटली इसी तरह की एक मेजरिंग टेप ले लेना, टेलर के कहीं भी दुकान से ये मिल जाता है अवेलेबल। तो आप इसी से यहाँ से मेजर करके आपको बनाना है। यहाँ में देखिए 16 इतना तक मैंने बनाया है, और उसके बाद फिर ये दागडुंग के बाद, यहाँ में देखिए दागडुंग के बाद जो गला में होगा, गला के लिए
यूजुअली गला के लिए हम मुझे मैं कितना रखती हूँ, 5 उंगली। यहाँ देखिए, यहाँ में ये 5 उंगली और फिर 2 फिंगर, 2 हाथ एक्स्ट्रा में रखती हूँ। इतना इतना ये गला के लिए हो जाता है। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो इंसान कितना लंबा चौड़ा, कितना मतलब हट्टा करता है, उसके ऊपर फिर डिपेंड करता है। और बाकी जितना है वो तो फिर कटिंग के लिए चाहिए होगा, स्टिच करने के लिए, और जितना है वो फिर आगे वाला होगा। यहाँ देखिए, मेरा जो मेलाम पोरे है, दागतुंग है, उसके बाद मैं हाथ से कुछ मेजर नहीं करके यही मेजरिंग टेप से मैं मेजर कर रही हूँ। मैं पूरा ये जो पूरा ये गला से लेकर के नीचे जो मेरा आगे वाला पोरे तक है, और यहाँ तक देखिए ये वाला हो गया है मेरा इतना लंबाई, यहाँ देख सकते हैं। तो इतना तक मैंने बनाया है, और ये डिपेंड करता है आदमियों के ऊपर, वो कितना लंबा चौड़ा है और कितना हट्टा करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है सब चीज। मेरा गालुक बन के हो गया है खत्म। ये रही मेरा दागदुंग पोरे, मेलाम पोरे भी कहते हैं इसे। और ये नीचे का हो गया है मेरा नीचे वाला पोरे, और इससे नीचे साइड में है मेरा एक्स्ट्रा पोरे पूरा। तो यहाँ आप देख सकते हैं टॉप टू बॉटम पीछे वाला भाग है ये, और ये सब मेरा एक्स्ट्रा पोरे है। और फिर यहाँ देखिए आगे वाला साइड, फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से ये दिखेगा। यहाँ देखिए ये जो गला वाला है, गला डिजाइन में तो फूल लग जाएगा सिला के, और वो नीचे वाला हो जाएगा, वो नीचे आगे की जो नीचे वाली साइड है उसकी फूल रहेगा वो। तो यहाँ देखिए बैक साइड पीछे दागडोंग पोरे से लेकर नीचे तक वो वैसा रहेगा कुछ इस तरह से। और यहाँ देखिए मेरा जो गालोग है उसकी कंप्लीट मेजरमेंट लेगा अभी ये मेजरिंग टेप से। और अगर आप लर्नर है, नया नया सीख रहा है मेरा जैसा, तो डेफिनेटली ये आपको काम आने वाला है, क्योंकि शुरुआत में हर किसी को कंफ्यूज होता है कि कितना बनाना है। तो यहाँ देखिए मेरा जो लंपू पोरे से लेकर जो नीचे वाला पोरे है पीछे वाला, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ देखिए हाथ से लेने से कुछ इस तरह से इतना है, और मेजरिंग टेप से लेने से मेरा एग्जैक्ट 16 में पहुँचता है। और फिर यहाँ देखिए अभी लंपू पोरे दागडुंग से लेकर फ्रंट वाला जितना नीचे आपको बनाना है कंप्लीट, जो आगे का फूल है उतना तक वाला, तो उसको भी हम लोग सीधा मेजरिंग टेप से ले लेगा, क्योंकि यहाँ में अगर हम लोग आधा आधा जब भाग करके मेजर रहते तो कंफ्यूज रह जाता, और खासकर जो शुरुआत नया नया सीख रहे वो लोग, क्योंकि शुरुआत में मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी इसके लिए। तो उसके लिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सीधा एक मेजरिंग टेप लेना है और सीधा दागडुंग से लेकर के यहाँ तक मेजर कर लेना है। और यहाँ देखिए मेरा मेजर करके यहाँ में देखिए कुछ इस तरह से आया है, 29.9 कुछ आया, 30 तो नहीं पहुँचा मेरा, 29.9। तो इसमें से मेरा जो वो गला वाला भाग हो जाएगा और स्टिच करने के लिए फिर चाहिए होगा, और फिर सीधा आगे का वाला भाग इसी में हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको कंफ्यूज नहीं रहेगा। और इसकी जो लंबाई है वो सब आपका पर्सन का ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई हट्टा कट्टा लंबा है तो ऑब्वियसली उसकी जो लंबाई चौड़ाई वो बड़ा होगा, लेकिन अगर पतला दुबला है, अगर नॉर्मल है, तो आई थिंक मेरा ये जो मेजरमेंट साइज लिया है ये ठीक रहेगा उतना के लिए, अगर वो 5 फीट इतना कुछ होने से, क्योंकि ये मेरे लिए, मैंने खुद मेरे अपने के लिए मैंने ये मेजर करके बनाया है, तो मेरा हिसाब से मैंने ये बनाया। अगर पतला दुबला इंसान है, ज़्यादा हट्टा कट्टा लंबा भी नहीं, तो इतना मेजरमेंट से हो जाएगा।
थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आप सभी को। और अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आप सभी को। एंड आई होप मेरी जो आज की वीडियो है आप सबको पसंद आया हो तो भी मुझे जरूर लाइक कीजिएगा और जरूर शेयर भी करें मेरे वीडियो को। तो यही थी मेरी जो आज की वीडियो। बहुत शोर मचता है यहाँ, फिर भी मुझे बनाना है अपनी वीडियो, तो कुछ नहीं, मैं कंटिन्यू करूँगी। तो जैसे कि आपने देखा आज मेरी जो गालू की उसको मैंने ख़त्म किया, तो मैं अभी मेरी जो नेक्स्ट होगा उसमें मुझे उसकी ये जो लकलूप होता है हाथ को मुझे फिर से बनाना है, क्योंकि मेरी जो लकलूप थी हाथ थी उसको मैंने ये गालू के साथ नहीं बनाया, तो उसको मैं अलग से फिर से बनाऊँगी। तो वो वीडियो भी मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसको आप जरूर वेट करें और आप इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय।